जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा मुझे प्यार दे रहे होंगे। ड्यू टू सम रीजंस अब ये शूटिंग थोड़ी सी इवनिंग को हो रही है मेरी, तो आपको ये वीडियो रात में मिला करेगा, तो आप सोते सोते भी इस वीडियो को देख सकते हो और कुछ नोट्स बना सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, मैं अपना वादा जरूर पूरा कर रहा हूँ। और जो हमारे 150 सब्सक्राइबर हुए हैं, ठीक है, उसके लिए थैंक यू, दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं मैं। और मैं आशा करता हूं जल्द से जल्द विद इन 6 मंथ हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरा करेंगे और उसके बाद हमारी एक सेलिब्रेशन होगी। ठीक है, तो बस मुझसे जुड़े रहिए और कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं, मैसेज करें, और कोई भी डाउट होगा मैं उसका रिप्लाई जरूर आपको दूंगा। आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बस मैं इतना ही कहूंगा, आपका सिलेक्शन ही मेरा एक कह सकता हूँ मोटिव है, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही मैं मान के चल रहा हूँ मेरा सक्सेस का कारण। ठीक है, तो करंट अफेयर यूपीएससी सीडीएस सीडीएस सीएपीएफ बाय रोहित रानवे आ रहा। ठीक है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते करंट अफेयर की तरफ। ठीक है, चलो, संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव, कौन सा इनिशिएटिव है, संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन थ्रू द टेलीकॉम सेंटर एक्सीलेंस हैज लॉन्च्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव रिवोल्यूशनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। द फर्स्ट आउटरीच प्रोग्राम वॉज हेल्ड इन आईआईटी दिल्ली ऑन मार्च 7, 2024 अंडर द ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इनोवेशन एंड द प्लानिंग। देखिए, इनोवेशन और प्लानिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हो तो उसमें इनोवेशन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, और इनोवेशन के साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज कर सकते हैं, टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। द इवेंट वॉज ज्वाइंटली इनोग्रेट बाय डॉक्टर नीरज मित्तल, जो कि सेक्रेटरी है टेलीकॉम, एंड द प्रोफेसर रंगन बनर्जी, डायरेक्टर ऑफ आईआईटी दिल्ली। तो देखिए, आप जब आईएएस बन जाएंगे तो आप सेक्रेटरी हो सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द इवेंट क्रूशियल रोल फॉर डिजिटल ट्विन इन मॉडलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉस्टरिंग इनोवेशन इन बिलिंग इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग वॉज हाईलाइटेड। तो ये सब चीजें शो आउट करती है, और ये चीजें क्या बता रही है कि मोटिव है, इनिशिएटिव लिया जा रहा है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। द इनिशिएटिव इज सीन एज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द कंप्यूटराइजिंग एंड द मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पेविंग द वे स्मार्टर, ठीक है, स्मार्ट तरीके से बनाना है, मोर रिजिलियंट सिटीज। देखिए, बड़ी बड़ी जो सिटीज होती है उनको बहुत अच्छे से डिजाइन करें, और वहां जो ड्रेनेज सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, उनको हमको क्या करना है, अच्छे से अच्छा बनाना है, और अच्छे से अच्छा बनाने के बाद क्या करना है, उनको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, टेलीकॉम इंडस्ट्री इम्बार्क डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इनिशिएटिव लाइक संगम एंड पोस्ट द डेवलप इनोवेशन। ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं, 1G आया पहले, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G, मतलब फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी चल रही है, और ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। आगे बढ़े, इंडिया टू एक्सपांड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विद द साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के साथ हमने कुछ पार्टनरशिप करी है। ठीक है, तो 10th साउथ कोरिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हेल्ड इन सियोल। सियोल सियोल कहाँ है, साउथ कोरिया में, ये कैपिटल है। ठीक है, याद रखना है, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, सियोल। इंडिया एक्सटर्नल अफेयर कौन है, एस जयशंकर जी हैं। ठीक है, इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है वो कौन है, एस जयशंकर जी। इंडिया डिजायर टू एक्सपांड इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद साउथ कोरिया इन टू द सच क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर्स। ठीक है ना, तो मोबाइल में जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह यूज होते हैं वो हम साउथ कोरिया से ले सकते हैं, बेसिकली चाइना से भी लेते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के ऊपर हमारा काम चल रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो बनने वाले हैं इंडिया में भी, तो साउथ कोरिया से हम लोग कुछ टेक्निक्स उनसे शेयर करें। ठीक है, तो कोरियन काउंटर पार्ट से चू टाई यून, जो भी नाम है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, एम टू मेक द बायलेटरल टाइज फॉर द कंटेम्प्ट एंड द कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, अब दूसरी चीज हम और क्या करेंगे, कॉपरेशन करेंगे डिफेंस में। ठीक है, तो साउथ कोरिया से जो हमारा डिफेंस का, जैसे कि बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि आप देख सकते हो आज अब सैमसंग टीवी वगैरह यूज करते हो तो साउथ कोरिया से ही बिलोंग करती है। साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, ट्रेड, पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड कल्चर कॉपरेशन। तो
तो हम किसी भी कंट्री से जब टाइज अप करते हैं तो कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जयशंकर हाईलाइटेड द स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बिटवीन द इंडिया एंड साउथ कोरिया विच आर एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो 2015 से हम लोग के जो टाइज है वो बायलेटरल है और वो बहुत अच्छे चल रहे 2015 से, ठीक है। तो ये सब चीजें लिखी, पार्टनरशिप हो गया, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी, न्यूक्लियर कॉपरेशन, सप्लाई चेन रिजिलेंस, कॉपरेशन एक्सपेक्टेड टू मेक बायलेटरल टाइज कॉन्टेम्पररी, करंट ग्लोबल लैंडस्केप। तो काफी सारी चीजों पे हम लोग करेंगे और आप ये थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होगी। करंट अफेयर है, करंट अफेयर को नोट डाउन करना है और अच्छे से नोट्स बनाने हैं। तो देख सकते हैं इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता में बन चुकी है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है इंडिया की फर्स्ट मेट्रो टनल रेल कहां बनी है अंडर वाटर में, तो कोलकाता में नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट किया है, ठीक है, कोलकाता के अंदर। द कोलकाता मेट्रो हावड़ा मैदान स्पेन सेक्शन इज ग्राउंड ब्रेक एडिशन इन द मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है। तो हावड़ा से लेके मैदान स्पेंडेंट सेक्शन तक, ठीक है, कंट्री फर्स्ट मेट्रो टनल सिग्निफिकेंट रिवर। तो प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अंडर वाटर मेट्रो राइड एंड इसका जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसका खर्चा कितना है 15,400 करोड़। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो बहुत मशक्कत के बाद बनाया होगा। हुबली रिवर है कोलकाता के अंदर, उसके अंडर ये बनाया गया है, ठीक है। अब इसके की फैक्ट क्या है, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर ट्रांसपोर्टेशन टर्नल है, हावड़ा मैदान स्प्लिंट सेक्शन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, हुबली रिवर पे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है, इसे मेट्रो स्टेशन 30 मीटर नीचे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है। वेचल सेगमेंट ऑफ ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर 4.8 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर भी काफी सारे मेट्रोज बने, तो 10-12, 20-30 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया गया है। कॉस्ट सेंसर कंस्ट्रक्शन 4.8 किलोमीटर बनाने का अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ के लमसम का खर्चा आया है, ठीक है, और टोटल लेंथ कितनी होगी 16.6 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर और 10.8 किलोमीटर अंडरग्राउंड बनाई जाएगी। रैपिड ट्रांसिट टाइम करेंगे, ठीक है, तो 520 मीटर का स्ट्रेच है और जो कि 45 सेकंड के अंदर कवर करेगा, और स्पीड सीमलेस रखी है, मतलब ठीक ठाक ही रखी हुई, ठीक है। हिस्टोरिकल कंट्रास्ट, ठीक है, हिस्टोरिक अगर हम देखें तो द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन कोलकाता सिमिलर टू लंडन वॉज इनिशियल प्रपोज बाय द ब्रिटिश इंजीनियर सर हेनरी डेलमेर है 1921। तो ये जो प्रोजेक्ट है सन 1921 देश आजाद होने से पहले का कॉन्सेप्ट, और ये लंदन के अंदर भी पहले बनाया जा चुका है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो कोलकाता ग्रीन लाइन एंड 100 ईयर ऑफ इनिशियल प्रपोजल, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आएगी, जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट, केरला लॉन्च इंडिया फर्स्ट स्टेट रन ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस। अब आप केरला के खुद के ओटीटी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सी स्पेस। तो आपसे पूछा जा सकता है सी स्पेस कौन से बेसिकली स्टेट ने लॉन्च किया है और किस बेसिस पे लॉन्च किया है, तो केरला। और ये अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे हम आज अमेजोन प्राइम वगैरह देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, वूट देख सकते हैं, तो उसी तरीके से सी स्पेस करके भी केरला गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, ठीक है, स्टेट रन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ओटीटी का फुल फॉर्म याद रखना ओवर द टॉप, ठीक है, सी स्पेस त्रिवेंद्रम प्लेटफॉर्म मैनेज बाय द केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो वहां ज्यादातर मलयाली मूवीज सी स्पेस प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाएगी, ठीक है। एम टू शोकेस अवार्ड विनिंग फिल्म, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री एंड अदर कॉन्टेंट नॉट रिसीव वाइड थिएटरिकल रिलीज बट पॉजिटिव सिग्निफिकेंट आर्टिस्ट एंड द कल्चर मेरिट। तो बहुत सारी मूवीज है, एक मूवी बताता हूँ आपको, 2018 ये मूवी देखो, केरला में जो फ्लड आए थे उसके बेसिस पे बनी है, बहुत अच्छी मूवी। टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन सी स्पेस द KSFD हैज अपॉइंटेड द कल्चर पैनल कंसिस्ट ऑफ 60 एमिनेंट एक्सपर्ट। एंड इसका काम क्या है, प्लेटफॉर्म बनाया है इसने, और ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, आपको बेस्ट मूवीज प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा जिसको ऑस्कर वगैरह मिला है। ये बहुत अच्छी कल्चरल मूवी है, वो इसमें दिखाई जाएगी, देख सकते हैं, और ये एंड्रॉइड पे भी चलेगा, ठीक है। और फर्स्ट फेज में 42 फिल्म डाली गई है और 35 फीचर फिल्म्स हैं
और 6 डॉक्यूमेंट्रीज है, 1 शॉर्ट फिल्म्स भी है, और इसको आप एंड्रॉइड और आईएस दोनों पे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको आपको कितना पे करने का पड़ेगा, ₹75 ओनली, तो सस्ता है, आई होप सो। ज्यादा अमाउंट है नहीं, ₹75, तो आप देख सकते हैं सी स्पेस किसने लॉन्च किया। स्विगी और IRCTC ने पार्टनरशिप कर लिया डिलीवरी के लिए, आप थोड़ा सा पढ़िए, आई एम टेकिंग अ वॉटर। चलो, तो आप रेल में बैठे बैठे भी स्विगी से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो IRCTC ने पार्टनरशिप की है किसके साथ, स्विगी के साथ, तो बहुत अच्छा है। आप जब रेल में सफर करेंगे तो स्विगी से आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं, आपके सीट पे आपका खाना मिल जाएगा। तो एक्सपीरियंस IRCTC ने किया है। IRCTC का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टू डिलीवर प्री ऑर्डर मील एंड द ट्रेन, ठीक है। ये मिनिस्ट्री मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन संजय कुमार जैन चेयर पर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर है IRCTC का, पूछा जा सकता है। संजय कुमार जैन क्या है, डायरेक्टर है IRCTC के, और रोहित कपूर ये क्या है, CEO ऑफ स्विगी फूड मार्केट प्लेस के, ठीक है। कौन है, रोहित कपूर। दिस सर्विस विल इनिशिएटिव टू अवेल 4 रेलवे स्टेशन, कौन कौन से रेलवे स्टेशन पे अभी दिया गया है, बेंगलुरु में, भुवनेश्वर में, विशाखापट्टनम में और विजयवाड़ा में। तो धीरे धीरे सर्विसेज बढ़ाई जाएगी, अभी स्टार्टिंग में रखा गया है, और अपकमिंग 59 स्टेशन पे ये फूड सर्विसेज दी जाएगी और जर्नी को आनंद में बनाया जाएगा। तो आपकी जो जर्नी होगी वो बहुत अच्छी हो, तो स्विगी से आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलो आगे देखें, सुप्रीम कोर्ट बैंस टाइगर सफारी इन द कोर एरिया ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर मिलेगा आपको, उत्तराखंड में, सबसे पहली चीज क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया है, देखिए आप अगर जंगल सफारी करते हैं इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, आपको शेर देखने का शौक है, आप देखिए बिल्कुल, काफी सारी हत्याएं भी हो जाती है, कभी कभी शेर अटैक कर जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, उसको डर लगता है कि ह्यूमंस अटैक ना कर दे, इस वजह से एलिफेंट भी कभी कभी अटैक कर देते हैं। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि वो उनका घर है, जब आपके घर में आपका जैसे एनिमल्स आपके घर में आ जाए तो आपको अच्छा लगेगा, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो हमको क्या करना है, कोर एरिया को सेव करना, किसको करना है, कोर एरिया को। तो अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द जिम नेशनल कॉर्बेट, तो भाई वहां होटल वोटल ना बना दिया जाए, ठीक है ना। द अपेक्स कोर्ट इम्पोज अ बैन ऑन टाइगर सफारी कोर एरिया, अलाउंग देम ओनली इन द पेरिएबल एंड द बफर जोन, ठीक है। तो पेरिएबल और द बफर जोन में आप घूम सकते हो, तीन तरीके के जोन होते हैं, एक तो कोर जोन होता है, पेरिएबल होता है, बफर जोन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट द इंफॉर्मेशन कमेटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर टाइगर सफारी कैन बी परमिटेड बफर और फ्रीजिंग एरियाज नेशनल पार्क अक्रॉस द कंट्री कमेटी, और ऊपर से एनवायरमेंट क्लियरेंस, एनवायरमेंट को भी इशू होता है वहां, पेड़ वगैरह स्टेबल, बहुत सारी चीजें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इस वजह से कोर एरिया में जाने को मना किया गया। देख सकते हैं, द बेंच कंप्रेजिंग जस्टिस BR गायवी, जस्टिस PK मिश्रा जी, जस्टिस संदीप मेहता वॉज प्रिजाइडिंग ओवर द पिटीशन फाइल्ड बाय एनवायरमेंट एक्टिविस्ट लॉयर गौरव बंसल। तो गौरव बंसल जी ने, एक लॉयर थे, उनने पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट थे। तो आप बताइए कौन से आर्टिकल के अंदर है ये, जिससे कि मुझे आइडिया हो। बंसल कंटेस्ट द उत्तराखंड गवर्नमेंट प्लान टू एस्टैब्लिश टाइगर सफारी जू कैप्टिव एनिमल इन बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क तक ही सीमित रखा जाए, ठीक है। द एपेक्स कोर्ट हैज आस्क्ड टू स्टे दैट इलीगल कंस्ट्रक्शन फेलिंग ऑफ ट्रीज कॉर्बेट नेशनल रिजर्व 3 months, ठीक है। तो ये भी बोला गया है कि आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करना जंगलों में। देखिए जंगल जब नहीं रहेंगे तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, तो उसके लिए आपको कौन सी मूवी देखनी है, पोचर। पोचर आप देखिए, केरला पे बनी है, बहुत अच्छी मूवी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी प्रपोजल टू एस्टैब्लिश टाइगर सफारी नेशनल पार्क टू एनिमल सेंट्रिक अप्रोच ओवर द टूरिज्म, ठीक है। तो बैन किया गया, वहां कंस्ट्रक्शन ना करे और कोर एरिया में जाने ना दिया जाए, ठीक है, टूरिस्ट को। नेक्स्ट, तमिलनाडु लॉन्चेस नीनगल नलामी बेनिफिशरी आउटरीच प्रोग्राम। आपसे पूछा जा सकता है, तमिलनाडु ने क्या लॉन्च किया, नीनगल
नल्ला मी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कीम बेनिफिशियरी आउटरीच प्रोग्राम एम टू रिवाइविंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैक्सी स्कीम एड्रेसिंग द ग्रीवेंस ऑफ द पब्लिक। इनिशिएटिव वाज किक्ड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नील गंग नलामी कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है और कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो पेरिया स्वामी विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ एमके स्टालिन। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? एमके स्टालिन है। अदर मिनिस्टर सीनियर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रीच आउट द बेनिफिशियरी अक्रॉस द स्टेट। तो कोई भी सर्विसेज जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है तो उसका पता कैसे चलेगा, संज्ञान कैसे चलेगा, उस वजह से ये ऐप लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किया गया कहां? तमिलनाडु के अंदर। चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट हेड डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबाउट द लेवल ऑफ बेनिफिट आइडेंटिफाई बुक लेट नीडेड द वेरियस स्कीम। जो बहुत सारी तमिलनाडु स्कीम लॉन्च करती है उसका ब्यौरा हमको मिलता रहे। तो बस वो दो तीन डाटा है वो आप देख लेंगे, आप ये खुद से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बता देता हूँ, रिसेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने लॉन्च किया है कलेंगर मलेयर उरिमी थियम सपोर्टिंग 1.515 करोड़ वुमेन टू मंथली कैश बेनिफिट ऑफ 1000। तो आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आप स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु स्टेट पीसीएस नहीं दे रहे हो, एसपीएस नहीं दे रहे हो, स्टेट पीसीएस, ठीक है ना। तो अगर आप दे रहे हो तो आप पढ़ लो, वरना तो आपसे कोई नहीं पूछेगा। विदियल पयान थितम ये वुमेन जो कि 445 करोड़ रुपए फ्री बस ट्रिप सो फार दिया गया है, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो, 16 लाख स्टूडेंट एवरीडे अक्रॉस द स्टेट, उनको भी दिया फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम, ठीक है ना। तो काफी सारी स्कीम तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च करती है उसका ब्यौरा लेने के लिए ये ऐप बनाया गया है, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। एनडीआरएफ कोलैबोरेशन विद आईटीबीपी, ठीक है। अब मुझे कमेंट में लिखिए क्या लिखेंगे, आईडी जो आईटीबीपी है वो कौन कौन से बॉर्डर को गाइडेंस करती है। ठीक है, आपका काम है कमेंट पे लिखे। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ इज पार्टनर विद द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी डेप्लो रेस्क्यू टीम इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर। तो आपको जवाब भी मिल गया होगा, इंडो चाइना बॉर्डर पे कौन प्रेजेंस है? आईटीबीपी हमारे देश के हिम भी रहे हैं। तो प्रिपेयर एनडीआरएफ पर्सन टू डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑपरेशन ऑफ हिमालय रेंजेस, जैसे कि एवलांच आ जाए, लैंडस्लाइड आ जाए, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो जाए या फ्लड आ जाए। तो इस बेसिस पे आईटीबीपी का कोलैबोरेशन किया गया है एनडीआरएफ से। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है अभी पूछा जा सकता है? अतुल करवाल, ठीक है। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? अतुल करवाल। फॉरवर्ड एरिया अलोंग द बॉर्डर गाइडिंग फोर्स आईटीबीपी, ठीक है। और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है। एनडीआरएफ ऑल्सो कंसल्ट विद द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के साथ भी करेगी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के साथ भी करेगी। कौन कौन से एरिया में? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और अदर जो बॉर्डर एरिया से जहां ऐसी परेशानी जा सकती है उनके साथ कोलैबोरेट करेगी एनडीआरएफ, ठीक है। अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन एनडीआरएफ पर्सनल अंडरटेक लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग आईटीबीपी और इंडो चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो चाइना और इंडिया की बॉर्डर को क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आईटीबीपी। द एनडीआरएफ ऑल्सो डिस्कस अदर बॉर्डर गाइडिंग बीएसएफ और एसएसबी। तो अतुल कारवा श्रीनगर वगैरह आप ये देख सकते हैं, ये हमारी बीएसएफ है, ठीक है, बॉर्डर गाइडिंग का काम कर रही। चलो आगे देखिए, झारखंड इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट विडो रीमैरिज इनिशिएटिव इंसेंटिव स्कीम। सॉरी, द स्टेट ऑफ झारखंड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। बहुत अच्छी बात है, विधवाओं का जो वापिस पुनर्वास या उनको पुनर्विवाह का मोटिव देना वो अच्छी बात है, ठीक है। रीमैरिज इनिशिएटिव अंडर द स्कीम वुमेन चूज टू रीमैरी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड एंड रिसीव इंसेंटिव ऑफ 2 लाख रुपीज। तो गवर्नमेंट 2 लाख रुपए भी देगी। तो झारखंड सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और वहां के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? चंपई सोरेन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? द वुमेन शुड ऑफ द मैरिजेबल एज होनी चाहिए, द वुमेन शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, पेंशनर नहीं होनी चाहिए और इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। द एप्लीकेशन फॉर द इंसेंटिव मस्ट बी सबमिटेड इन द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रीमैरिज। अगर आप शादी करोगे, रीमैरिज, कोर्ट मैरिज ही करोगे, तो उसके 1 साल के अंदर सबमिट करना पड़ेगा और आपको 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल जाएगा। द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ लेट हस्बैंड मस्ट बी प्रोवाइडेड, मतलब डेथ सर्टिफिकेट भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी मुहिम है, किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा। आपसे क्वेश्चन है, झारखंड कौन से साल में बना था बिहार से अलग हो गए, तो प्लीज बताइए। द स्कीम है सी एम्पावरिंग वुमेन टू फाइंड देमसेल्फ अलोन हेल्पलेस डेथ ऑफ देयर पार्टनर। तो महिलाएं जिनके पति फिर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद वो अकेली हो जाती हैं, तो वो शादी कर सकती है, हेल्प टू देमसेल्फ टू वल्नरेबल पोजीशन ऑफ लॉस देयर हस्बैंड। तो ड्यूरिंग द लॉन्च इवेंट ताना भगत इंडोर स्टेडियम रांची चीफ मिनिस्टर चंपई सोनाई डिस्ट्रीब्यूट द 14 लाख अमाउंट द 7 बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम। तो 7 लोगों, मतलब 7 महिलाओं को ये बेनिफिट दिया गया है 14 लाख रुपए तक का। ठीक है, और एडिशनल चीफ मिनिस्टर अनाउंस इंक्रीज द होमोजेशन आंगनवाड़ी वर्कर हु नॉट रिसीव 9,500 पर मंथ टू आई हेल्प टू रिसीव 4,750 पर मंथ। तो आंगनवाड़ी महिलाओं को भी दिया जाएगा पैसा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। गवर्नमेंट टू डाइवर्स 7% स्टेट इन एनएलसी इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अ ऑफलोड ऑफ 7% स्टेट रन लिग्नाइट प्रोड्यूसर एनएलसी इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म बताएंगे आप कमेंट में लिखिए, थ्रू द ऑफर फॉर सेल रूट फॉर द इंक्लूड ऑफ ग्रीन शो ऑप्शन। तो ये सब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ने किसमें डाइवर्स किया 7%, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है 7% क्या कर रही है स्टेक ले रही है। ठीक है, किसी का या प्राइवेट लिमिटेड का स्टेक ले रही है, उसको हम क्या बोलते हैं डाइवर्स 7% स्टेक इन एनएलसी इंडिया। सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड द अचीविंग डाइवर्समेंट टारगेट फॉर द करंट फिजिकल ईयर। ठीक है, टू एक्सपेक्ट टू जनरेट सफिशियंट रेवेन्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट वाइल द इंश्योरिंग कंप्लेन विद द रेगुलेटरी नॉर्म। तो क्या किया जा रहा है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, डिसइन्वेस्ट करेगी और वहां से पैसा लेगी और उसको फिजिकल डेफिसिट में दिखाया जाएगा। तो आई होप सो आप ये खुद से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, यहाँ कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं, इंडियन नेवी कमीशन INS जटायू, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है डिफेंस एस्पिरेंट के लिए। तो इंडियन नेवी हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द इनरीचिंग ऑपरेशन कैपेबिलिटी मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस इंपॉर्टेंट लक्षद्वीप आइलैंड एंड INS जटायू एट मिनिको आइलैंड मार्च 2024। तो कमीशन किया गया, ऐड किया गया इंडियन नेवल शिप जटायु को, कहां किया गया है लक्षद्वीप के अंदर। द न्यू नेवल बेस नेम आफ्टर द माइथिकल क्रिएचर इन रामायण। ठीक है, तो जटायु आप जानते ही होंगे जो कि राम या माइथोलॉजी से रामचरितमानस से है। ठीक है, तो कमीशन सेरेमनी में अटेंड हुए थे एडमिरल जो हमारे हैं आर हरि कुमार जी, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी थे श्री प्रफुल के पटेल, और काफी सारे और भी ऑफिसर थे। ठीक है, तो INS जटायु कहां कमीशन किया गया है लक्षद्वीप के अंदर, तो आपको इतना पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा, ये जो एग्जाम होने वाला है अभी सितंबर के अंदर, क्योंकि अभी अप्रैल वाले का तो पेपर बन चुका है, पर सितंबर वाले के लिए बी अवेयर। ठीक है, द नेवल डिटैचमेंट मिनिको सेट अप द अर्ली 1980 टू कन्वर्ट इनटू फुल प्ले नेवल बेस इन द टाइम मोर ऑफिसर विल डिप्लॉय टू न्यू बेसिस रडार स्टेशन सेट अप द एनेबल सीमलेस ओवरसाइट ऑफ द वाटर अराउंड द आइलैंड। तो बहुत अच्छा, ये देख सकते कमीशन ऑफ INS जटायु। ठीक है, तो INS जटायु कहां लॉन्च किया गया, लक्षद्वीप के अंदर। ईयर ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, UN यूनाइटेड नेशन के द्वारा बोला गया है, डेडलाइन है टू रिकॉर्ड अ माइग्रेशन ऑफ एटलीस्ट 8,565 डेथ डॉक्यूमेंट बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। 9,000 के लमसम जो माइग्रेंट्स है जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं उनकी डेथ पाई गई है, 20% इंक्रीज हुई है 2022 से। अर्जेंट नीड फॉर एक्शन प्रिवेंट फर्दर लॉसेज ऑफ द लाइफ। तो बहुत बड़ा, इसके ऊपर एक मूवी बनी है डंकी, तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा कंसर्न है, द मिसिंग माइग्रेंट प्रोजेक्ट 10th ईयर
डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल उगोची डेनेलिस एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिमेनिंग लाइफ लॉस एंड इंपैक्ट ऑफ द फैमिलीज ऑफ कम्युनिटीज। तो यूएन जो जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली, तो ये बात कर रहा है कि हमें सेव करना है लोगों को जो माइग्रेट हो रहे हैं, उनको बचाना है, क्योंकि वो समुन्दर से, पहाड़ों से, कहीं से भी वो आते हैं तो उनके जान को खतरा होता है, तो कंट्रीज को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं जो डाटा दिया हुआ है, उनके 7% द वायलेंस वगैरह, उनके साथ वायलेंस वगैरह भी होता है, तो ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं किस तरीके से ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। द मेडिटेरियन अक्रॉस रिमेन अ डेडनेस रूट फॉर द माइग्रेंट्स रिकॉर्ड 3129 डेथ्स कहां देखी गई है मेडिटेरियन सी में, एंड डिस्पर्सेंट 2023 के अंदर हाईएस्ट डेथ टोल रीजन इन 2017। अप्रोक्सीमेटली रिकॉर्ड अफ्रीकन 1866, एशिया में 2178 माइग्रेशन देखा गया। अफ्रीकन ऑफ सहारा डेजर्ट और कैनरी आइलैंड, 100 ऑफ डेथ ऑफ अफगान रोहिंग्या रेफ्यूजीज इन द एशिया। तो बहुत दुखदायक कंडीशन है। और ये मिशन माइग्रेट डॉक्यूमेंट 63,000 केसेस हमने वर्ल्ड वाइड में देखे हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन तो इस पे कुछ काम करे। और ये कब बना है, 1951 में बना हुआ था। और इसके जो मेंबर्स हैं, कितने मेंबर है, 175 मेंबर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लाचार लोग कहाँ कहाँ अपना जीवन बचाने के चक्कर में समुन्द्र में कूद जाते हैं, बट एट द लास्ट इनको क्या मिलता है, मृत्यु के सिवा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मुझे प्यार देना है, लाइक देना है, शेयर देना है, और आपके एग्जाम में जरूर बेनिफिट होगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में। और ठीक है, मैंने नंबर आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू ऑल।